सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। अभी हम सबके दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही हो। तो अब आज इस वीडियो में जनरल साइंस की जो वीडियो है, इसमें मैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट है, ये चीज इसमें से कुछ समझ में नहीं आता वीडियो में से, तो प्लीज आप मुझसे पूछिएगा। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी इज अ साइंस दैट स्टडीज। ये जो साइंस की कौन सी ऐसी ब्रांच है या शाखा है जिसका अध्ययन किया जाता है? तो जो एंटोमोलॉजी है, इसमें इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी की जाती है। जो साइंस है वो बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। बट अगर हम और डीप में जाते हैं तो जो हमारी बायोलॉजी है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में डिवाइड हो जाती है। तो जो इंसेक्ट्स की स्टडी हम करते हैं तो उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं, और ये एक जूलॉजी की एक ब्रांच है और ये बायो का ही टर्म है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। इसका मतलब है एंटोमॉन फर्स्ट, जिसका मतलब होता है इंसेक्ट, और सेकंड वर्ड जो है वो लॉगिया, इसका मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को कहते हैं एंटोमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द ब्रांच ऑफ अ ट्री इज शेकन वायलेंटली द लीव्स फॉल, दिस हैपनिंग कैन बी एक्सप्लेन बाय। जब किसी भी पेड़ की शाखा को अगर हम जोर जोर से हिलाते हैं तो उस टाइम पे उस पेड़ की, उस ट्री की जो लीव्स हैं वो गिरने लग जाती हैं, तो ये किस गति के नियम की वजह से होती है? सो इसका आंसर है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने हमें टोटल 3 लॉज दे रखे हैं मोशन के, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ। तो ये तीनों लॉज हमारी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब ओवरऑल जो हमारी फिजिक्स है वो इन तीनों लॉज के अराउंड घूमती रहती है। अब जो हमारा फर्स्ट लॉ है, इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, मीन्स लॉ ऑफ इनर्शिया भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ को कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अनलेस एंड अनटिल उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। अब इसको एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है, अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी, और अगर वो चल रही है या उसमें कोई मूवमेंट हो रही है तो वो वैसे ही रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दे रखा है आपको रोलिंग ऑफ बॉल और डस्टिंग कार्पेट। अब देखिए, जब हम एग्जाम्पल लेते हैं डस्टिंग ऑफ कार्पेट, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी कार्पेट है, ठीक है, उसके ऊपर काफी सारी डस्ट जमी हुई है, वो आपको कब तक नहीं दिखती, जब तक आप उसको झाड़ू या डंडे से उस पर आप मारते नहीं है। जब हम उस पर झाड़ू या फिर डंडा कुछ ऐसा मारते हैं तो उससे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में उड़ने लग जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट पे थे जब तक आपने उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया था। अब जो सेकेंड लॉ है, इसका एग्जाम्पल है कैप्चर द बॉल बाय द हैंड, हाथों से बॉल को पकड़ना। आपने देखा होगा जब बॉल को पकड़ा जाता है काफी हाइट से और फोर्स के साथ अगर बॉल आ रही होती है, तो बॉल को जब हम कैच करते हैं उस टाइम पे हमारा हाथ थोड़ा पीछे की साइड हो जाता है, ठीक है। या फिर इसके अलावा आपने, जैसे आप किसी, आपको किसी गड्ढे से जंप करना है तो आप पीछे से भाग कर आएंगे और फिर जंप करते हैं, तो ये जो सिचुएशंस होती हैं ये हमारी सेकंड लॉ में आती है। थर्ड लॉ क्या कहता है कि कोई भी एक्शन है उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हमें मिलता है। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, स्विमर, कोई भी स्विमर है, स्विमिंग करते वक्त क्या होता है, हमारे जो हाथ होते हैं वो पानी को पीछे की साइड पुश करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी आगे जाती है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है अ बर्ड फ्लाइंग, जब कभी भी कोई भी बर्ड उड़ रही होती है तो आपने देखा है उसके जो विंग्स होते हैं, जो बर्ड्स के पंख होते हैं, वो नीचे की साइड एयर को पुश करते हैं जिसकी वजह से वो ऊपर की साइड उड़ पाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे तीनों लॉज के, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ के। तो इसमें एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ जाएगा, अगर कोई भी एग्जाम्पल दे के पूछा जाता है कि कौन सा लॉ है न्यूटन का, तो आप तीनों लॉज में इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो आंसर करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है।
फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण की सहायता से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है उस टाइम पे कौन सी गैस रिलीज होती है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस वाली ये जो इक्वेशन आपको मैंने दे रखी है इस पे क्वेश्चन आते हैं आपके पास 2 से 3। कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी यूज होती है, फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है। प्लांट्स के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, उसमें इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी वाली गैस रिलीज होती है, तो आंसर है ऑक्सीजन। यहाँ पे मैंने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दे रखी है CO2 प्लस H2O। CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का मतलब है वाटर। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। O2 means ऑक्सीजन, H2O means वाटर। तो आप ये सिंबल मीनिंग भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, आपके लिए लर्निंग ईजी हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है गैस रिलीज। अगर फोटोसिंथेसिस में रिलीज गैस पूछी जाती है तो उसका आंसर है ऑक्सीजन। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि यूज कौन सी होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, तो उसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा दो और क्वेश्चंस आते हैं कि जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है लीव्स में, तो आंसर है स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में जो फूड है वो स्टोर किया जाता है, और जो जो फूड प्रिपेयर किया जाता है वो हमेशा ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, दैट इज C6H12O6। तो ये कुछ क्वेश्चन थे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से रिलेटेड, तो इनको आप नोट करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉज ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मीन्स कि दिल के दौरे का कारण क्या होता है, तो इसका जो बेसिक सा आंसर है वो ये है कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। जब हमारे हार्ट तक, हृदय तक रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाती है तो उस टाइम पे जो हार्ट अटैक की सिचुएशन होती है वो बन जाती है। इसके अलावा ये एक डिजीज भी होती है, CHD इसको कहते हैं। CHD की फुल फॉर्म होती है कोरोनरी हार्ट डिजीज। ये क्या होता है, ये एक मेन वजह होती है हार्ट अटैक आने के। कोरोनरी हार्ट डिजीज जो है इसमें कोरोनरी धमनी होती है जिसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, इसमें जब ब्लॉकेज आ जाती है मींस कि जो ब्लड की सप्लाई है वो स्टॉपेज हो जाती है, उस वजह से हार्ट अटैक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज द न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट। इनमें से कौन सा एक परमाणु के नाभिक में शामिल होता है, जो एटम है उसके न्यूक्लियस में क्या चीज प्रेजेंट होती है, तो आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनमें से एक आंसर करेक्ट है। तो आंसर है आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है ये, तो आप इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टिक करके आएंगे। इसके अलावा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इन तीनों की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, जब आप वीडियो को देखेंगे तो उस टाइम पे इन क्वेश्चंस को आप नोट करिएगा ताकि आपको बाद में लर्निंग में प्रॉब्लम ना आए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके अपने नोट्स को खुद से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी बेस्ट होती है, तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल वॉज अर्लियर कॉल्ड वॉल्फॉर्म। किस धातु को पहले वुल्फॉर्म कहा जाता था, सो आंसर है इसका टंगस्टन। ठीक है, ये एक बल्ब का फिलामेंट होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 3-4 क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं। फर्स्ट है इसका सिंबल क्या होता है, तो सिंबल इसका W है। इसके अलावा जो इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को Z से शो करते हैं, इसका मतलब होता है परमाणु संख्या, तो वो 74 है। इसके अलावा जो 2-3 क्वेश्चंस और हैं कि ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें टंगस्टन कौन से वाले ब्लॉक में है। टोटल हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं, S, P, D और F। तो जो टंगस्टन है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके अलावा हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें टोटल 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि जो टंगस्टन है वो कौन से ग्रुप से और कौन से पीरियड से है, तो ग्रुप भी इसका 6 है और जो इसका पीरियड है, आवर्त है, वो भी क्या है, 6 है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे टंगस्टन के ऊपर जो आपको बेसिक नॉलेज में पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है, तो आंसर है डिस्टेंस।
इट इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रेवल इन वन ईयर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द मेन कंपाउंड ऑफ वोटर इंक. जो चुनाव की जो शाही होती है उसका जो मेन कंपाउंड है, मुख्य यौगिक है, वो क्या है. तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. सो इसका आंसर है सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट को इनडेलेबल इंक भी कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है अमिट शाही, मतलब कि ये इजिली हटती नहीं है. आपने देखा भी होगा जब हमारी फिंगर पे इसको लगाया जाता है तो ये काफ़ी टाइम बाद हटती है, इवन कई बार तो मंथ से भी ऊपर टाइम लगता है, तो ये इजिली हट नहीं सकती है. ठीक है. और ये सबसे पहले कहाँ पे यूज हुई थी, देखिए, मोर पॉपुलरली नोन एज वोटर्स इंक यूज इन जनरल इलेक्शन. जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे इसको यूज किया जाता है इलेक्शन के टाइम पे. इसके अलावा माइसूर पेंट्स एंड वर्निश लिमिटेड, ये एक वन एंड ओनली इंडिया की कंपनी है जिस जो ये इनडेलिबल इंक को प्रोड्यूस करती है. तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप लर्न करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें जो नोट में दे रखा है वो भी देखिए. इट वॉज अ फर्स्ट यूज ड्यूरिंग द 1962. मैंने ऊपर बोला था कि ये सबसे पहले कहाँ यूज हुई थी, तो ये 1962 में इंडियन जनरल इलेक्शन हुए थे जब मैसूर स्टेट में, वहां पे इसको यूज किया जाता था. और अभी मॉडर्न डे में उस जगह को कर्नाटका के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड लूजिंग ऑफ टीथ इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. जो हमारे मसूड़े हैं वहां से रक्त स्राव तथा दांतों का ढीला पड़ जाना किसकी कमी से होता है. सो आंसर है इसका विटामिन सी. विटामिन सी, जो ये विटामिन वाली वीडियो भी मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें सिर्फ विटामिन के बारे में बता रखा है, कितने टाइप्स होते हैं, किस किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर आते हैं. तो आप डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक लेके उस वीडियो को भी कर सकते हैं. अब इसका आंसर है विटामिन सी. सबसे पहले विटामिन सी कौन से वाली विटामिन होती है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है. इसके अलावा इसको एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है. और जो विटामिन सी है इसका यूज किया जाता है प्रिवेंट और ट्रीट स्कर्वी, स्कर्वी के बचाव और उससे रक्षा में भी इसका यूज किया जाता है. अब इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है, इसके सोर्सेस पूछे जाते हैं कि जो विटामिन सी है उसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं. तो इसके सोर्सेस सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, मतलब पानी वाले जो फ्रूट्स होते हैं, लाइक टोमेटो हो गया, या फिर टोमेटो जूस, या फिर स्पिनच, या फिर जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं लाइक ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा, ये सब विटामिन सी के सोर्स होते हैं. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लड. ब्लड में मीन्स कि रक्त में इन चारों में से क्या प्रेजेंट नहीं होता है. तो इसमें फर्स्ट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेसेंटा, इन चारों में से क्या चीज प्रेजेंट नहीं होती. ब्लड वाले टॉपिक पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको डीप में ब्लड की थ्योरी करनी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं. नाउ ब्लड में क्या चीज प्रेजेंट नहीं होती, तो WBC, RBC, प्लाज्मा, ये तीनों ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. जो प्रेजेंट नहीं होता वो होता है प्लेसेंटा. अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लेसेंटा होता क्या है. प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस में डेवलप होता है. इससे क्या होता है, जो बेबी होता है, जो बॉर्न बेबी होता है, जिसे फीटस या फिर भ्रूण कहते हैं, जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, वो जो फीटस या भ्रूण होता है उसको जो मदर है उनके ब्लड से न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है बाय प्लेसेंटा. इसके अलावा जो बेबी है उसके ब्लड में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको भी प्लेसेंटा के थ्रू रिमूव किया जाता है. इन शॉर्ट जो प्लेसेंटा है वो एक टेम्पररी ऑर्गन है जो सिर्फ कुछ टाइम तक होता है, उसके बाद में जब बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद में उसको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं. तो प्लीज़ इनको करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़.